नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। और पिछले दो क्लास से हम डिस्कस कर रहे थे सीटीईटी का जो अल्जेब्रा का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है 12 में 13 में या 14 में, और उसके 16 का क्वेश्चन सब डिस्कस कर रहे थे। तो कैसा लगा आपको तो उसको कमेंट करके बताइएगा। आज हम उसी का नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज ये जो आपका सीटीईटी का एग्ज़ाम होने होगा उसका जो पेपर 2 का जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में जो अलजेब्रा का क्वेश्चन सब आया हुआ है उसका हम कलेक्शन किए हुए हैं एक जगह। उसको हम बताते हैं कि आप कैसे सॉल्व करें जो आपको आसानी से उसका आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 3x + 1/3x = 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि x² + 1/81x² = क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपका। तो इसको इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली ये देखिए कि हमको सबसे पहला प्रयास क्या करना होता है कि इसको जो है इसी फॉर्मेट में ले आते हैं। कैसे लाएंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक्स है का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा 1/9x का होल स्क्वायर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको जो है जो भी है इसको 3 से भागा दे देते। जब 3 से भागा दे दीजिएगा तो 3 से भाग देने के बाद 3x/3 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। यहाँ से आप तो 3 से भागा दे देंगे, मतलब क्या 1/3 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ये भी कह सकते हैं 1 + 3x = 6/1/3 × 6। यहाँ से आपको सीधा सीधी क्या मिल जाएगा कि x + 1/9x = आपका जो है ये वैल्यू 2, ये मिल गया आपको x + 1/9x का वैल्यू आपको मिल गया 2। जब ये 2 मिल गया तब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू ये हमको पूछ रहा है, स्क्वायरिंग जब कर देंगे हम इसको x² + 9x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा +2 × x × 1/9x = 4। स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, x² + 1/9x² + 2ab + b² जो है a² + 2ab + b² वो लिख दिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड का भी स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए x कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से कि x² + 1/9x या 81x² इसको लिख देते हैं हम, और = 4 - 2/9 है, तो उधर जाके आपका 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ था, तो यहाँ से आपका जो भी वैल्यू आपका आ जाएगा इसको आप देख लीजिए, 36 में से 2 गया 34/9, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड है क्या कि आपको जैसे हम यहाँ पे 3 से भाग दे करके हम इस फॉर्मेट में ले आए थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी को हम 9 से गुना कर दें तो ये 9x इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो उससे भी आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा आपको दिखाते हैं कि ये हमने क्या किया कि इसको 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग देने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसका स्क्वायरिंग कर दिया, हमने आंसर मिल गया उसका। इसी को हम दूसरे तरीके से क्या सोच सकते हैं कि 3x + 1/3x है, इसको हम इस फॉर्मेट में रहने देते हैं। ठीक है, इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको आप ये लिख लीजिए यहाँ पे 1/9, इसको 9 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 9x² + 1/81x² तो अब यहाँ से आप क्या देख लीजिए कि ये भी 3x² आ गया, ये भी 1/3x² आ गया। तब जब ये हमको मिल गया है तो 3x + 1/3x इसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये कि 9x² + 1/9x² + 2 × 1/3x 3x × 1/3x, मतलब ये +2 = आपको इसका स्क्वायरिंग करने में 36 हो गया। यहाँ से सीधा आप यहाँ से मिल गया 9x² + 1/9x² = 36 है, तो ये माइनस हो गया 34, तो ये वैल्यू आपको मिल गया 34। तो ये जब ये वैल्यू 34 मिल गया तो 1/9 × 34 इसको आप 34/9 लिख सकते हैं।
तो दोनों को किसी में किसी एक जैसा बना लेना है और उसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब इस तरह से करने में सुविधा क्या है ये आप देखिए। अब ये फॉर्मेट टेक है आपका, और उस पर जब आप बिठा लेंगे तो आप काफ़ी आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आपका दिया हुआ है k, तो आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ प्रोसेस क्या किया, स्क्वायरिंग किया, इसका वैल्यू पूछ रहा है स्क्वायरिंग, इसको आप स्क्वायरिंग करिए, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए के स्क्वायर, इधर से जो प्लस टू है वो जाकर उधर माइनस टू, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ गया के स्क्वायर माइनस टू। अब यदि कहीं पे एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्मेट है तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस टू है। जैसे इस क्वेश्चन में जो आपका था ये थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको सिक्स, ठीक है। तो इससे यदि हमको ये निकाले कि एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री एक्स का होल स्क्वायर, यदि हमको ये निकालना रहे इसको हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस टू, मतलब हो गया सिक्स स्क्वायर माइनस टू, सीधा सीधी कर सकते हैं, इसका वैल्यू 34 होगा। इसी तरह के दूसरा रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का निकाल सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए इसका दूसरा क्या रिजल्ट आपका हो जाएगा, दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा, पहला रिजल्ट हमारा हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू के दिया हुआ हो तो उससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको हमको पता है क्या क्या होता है कि एक्स प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पे k दिया हुआ है, तो k दिया हुआ है तो आप सीधा k क्यूब माइनस थ्री एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये वैल्यू आपका k दिया हुआ है, तो k क्यूब माइनस थ्री के, मतलब ये हो गया कि आपको x प्लस वन बाई एक्स का यदि वैल्यू दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप k स्क्वायर माइनस टू लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू एक्स के क्यू माइनस थ्री की हो जाएगा। तो बाय द वे इतना क्यूब पूछा नहीं है अभी तक, स्क्वायरिंग पर ही पूछता है। तो जब ये आप रिजल्ट याद कर सकते हैं तो आप इसी भी रिजल्ट याद कर लीजिए, एक्स माइनस वन बाय एक्स यदि के हो इक्वल टू के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, इसका कर लीजिए, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर माइनस टू है तो ये आपका प्लस टू हो जाएगा। तो अभी जो है आपका ये दोनों रिजल्ट ज़्यादा आपका सीटीटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और ये नहीं आया है अभी तक। तो बाय द वे कुछ है नहीं, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं या रिजल्ट भी याद रख लीजिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायरेक्टली आपका जो है आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सीटीईटी ये 2016 का क्वेश्चन था, फरवरी या शायद मई में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये काफ़ी आता है, 2012 से प्रत्येक एग्जाम ने ये क्वेश्चन आ ही रहा है। क्या है, जैसे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y ये दिया हुआ है माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है। तो बोलता है इसको फैक्टराइज करिए, इसका फैक्टर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने में लगता है कि चलो इसको कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम m मान लिए, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे ये देख लीजिए, m स्क्वायर इसको माइनस 7m प्लस 2m लिख दिए, ये हमारा माइनस 5 में मिल गया, माइनस 14 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, एम माइनस 7 प्लस 2 इंटू एम माइनस 7 लिख दिए, यहाँ से हमारा वैल्यू एक क्या आ गया, एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 7। और एम किसको सपोज किए थे आप, 2x प्लस 5y को, तो हमारा फैक्टर जो आपका, बाय द वे फैक्टर पूछता है, इसका फैक्टर क्या होगा, इक्वल टू जीरो नहीं है इसमें,
हमारा फैक्टर क्या होगा, तो एक वैल्यू आपको हो गया 2x प्लस 5y प्लस 2 और दूसरा हो गया 2x प्लस 5y माइनस 7। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। ये फैक्टर आपको यहाँ पे देख लेना है, बस 2x प्लस 5y को एक वैल्यू बिठा दीजिए, इसके दोनों में से कोई एक आपका ये चार ऑप्शन में से रहेगा, तो आप उसको देख लीजिए, आंसर मार दीजिए। अब दूसरी बात क्या है, इसको आपको जब इस तरह का ये दिया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि चलो इसको फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, लेकिन आप यदि इसी को ब्रेक करके दे दे तो आपके लिए थोड़ा परेशानी हो जाएगा। क्या परेशानी हो जाएगा, आप पता नहीं लगेगा आपका क्या है ये। जैसे देख लीजिए आप इसको, कि इसको यदि ब्रेक करके दे दीजिए, 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 20xy माइनस 10x माइनस 25y माइनस 14। मान लीजिए क्वेश्चन वो क्या किया कि आपको ये नहीं दे के आपको ये दे दिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा माइनस 14, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है आपका, कोई एक्सप्रेशन मान लीजिए, कोई एक्सप्रेशन नाम इसका हम fx दे देते हैं कोई नाम, तो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब बोलेगा इसको फैक्टराइज करना है, तो अब कोई समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि कहीं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे तो नहीं है, या कैसे क्या करना है प्रोसेस, तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन। तो अभी तक जो सीटीईटी में आया हुआ है उसी या तो इस फॉर्मेट में है जो आपने देखा कि क्लियरली विजिबल है, इसको m मनी m उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, m के वैल्यू निकाल के फैक्टराइज करके बता दीजिए हाँ ये फैक्टर है, या फिर इस फॉर्मेट में देगा। इस फॉर्मेट में यदि दे तो आपको फिर वही बैक कैलकुलेशन करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है आपका 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5 ले लीजिए, ये आपका हो गया 2x प्लस 5y माइनस 14। अब जब ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा उसके बाद आप आसानी से ब्रेक कर लेंगे m मान के या जो भी मान के, किंतु जब जब ऐसा दिया रहेगा तो आपको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब आपको दिखाते हैं कि इसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, थोड़ा एक्सप्रेशन डिफरेंट है लेकिन तरकीब जो है आपका ट्रिक यही लगाना है। क्या ट्रिक है, अब इस तरफ से 2 से 3 बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है सीटीटी में, क्या है हुआ है, तो हमारा एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। हमको कह रहा है इसको फैक्टराइज करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको ये देखना है कि इसको पहले ये देखिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर और ये देखने के बाद आपको लग जाएगा कि चलो भाई इसको 2x माइनस y का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे जब हमारा बच गया 14x माइनस 7y, ये कर लीजिए, यहाँ से 7 कॉमन यदि ले लें तो ये भी हमारा 2x माइनस y का फॉर्मेट आ जाएगा प्लस 12। अब जब आप ये देख लेंगे इसको m मान लीजिए, ये हमारा फॉर्मेट आ गया m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12, ये देखिए। और जब ये आ गया तो आप आसानी से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक होगा, ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 12, ये आपका हो गया, m कॉमन ले लीजिए, m प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 4 और यहाँ पे आपका m प्लस 4 और ये इंटू एम प्लस 3 आ गया। अब m का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, हमारा इसका जो फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा फैक्टर आएगा ये 2x माइनस वाई प्लस 4 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3। अब इसी दोनों फैक्टर में से कोई एक आपका आंसर में रहेगा, तब उसको इजीली आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये आपको दिखाया मैंने कि एक आपको इस फॉर्मेट पे दिया हुआ क्वेश्चन, एक बार इस फॉर्मेट पे दिया हुआ, तो जो भी है जैसे भी हमको इस तरह से करना है भाई करना है, हमको आंसर देना है। ठीक है, तो इस पे एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन देने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारे पास ये है, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, x प्लस 1 का होल टू द पावर 4 माइनस x माइनस 1 इसका होल टू द पावर 4। अब इसको तो आपको देखने से लग रहा है कि भाई इसको किसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मेट पे तोड़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है किस नंबर से फुल्ली डिविजिबल है। फुल्ली डिविजिबल का मतलब आपका ऑप्शन में ए बी सी डी मान लीजिए दे दिया हुआ है ऑप्शन,
सिक्स एट समथिंग, कोई नंबर ले लीजिए 12, इससे डिविजिबल है। तब यहाँ से देखने में तो हम कह नहीं सकते, और कह रहा है कि एक्स कोई एक इंटीजर है, मतलब -1 -2 1 2 3, किससे डिविजिबल है तो कहना तो मुश्किल है। तब इसको फैक्टराइज करते हैं, हमारा ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें से कोई एक होगा। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए अब एक्स प्लस वन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर, फिर से स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो हमको ए प्लस बी ए माइनस बी करना है। एक हमारा आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ए प्लस बी, दूसरा हमारा आ गया ए माइनस बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यही तो हमारा आ गया। अब देखिए ये जो आपको इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से -2x +2x ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो आपका क्या बच जाएगा 2, इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको जब ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2x +2x 4x मल्टीप्लाई बाई 4x, यहाँ से आपको 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आ रहा है। तो जब आपका ये आ रहा है, यहाँ से तो आप क्लियरली जब कोई नंबर 8 से गुना है तो कह ही सकते हैं ये 8 से डिविजिबल होगा, तो इस 8 के वजह से हम आंसर जो है क्या करेंगे 8 मार देंगे, ठीक है। इसको फैक्टर करके देखें तो 8 से डिविजिबल होगा ही, बाकी कौन से नंबर से होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन 8 से जरूर डिविजिबल होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से यदि सोचते हैं तो आपको आसानी होगी, उसको अंत तक फैक्टराइज करिए, उसके बाद से फिर उसको आगे निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग कि एक दिया हुआ है आपका x^4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब कैसे फैक्टराइज करना है, अब इसको तो लग रहा है किसी फॉर्मेट पे आ ही नहीं रहा है, तो इसका जो आप सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम कर दे यहाँ से कर दे रहे हैं -2x² +2x², ठीक है x² प्लस x^4 प्लस, अच्छा इसको हमको 2x² तो आ ही रहा है, हम इसको बस +x² -x² कर देते हैं, ठीक है। -+x² हम इसलिए कर रहे हैं, ये देखिए हमारा x^4 +2x² +1, ये हमारा एक फॉर्मेट आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब दूसरा हमारा बच गया x², इसको हम अलग से लिख लिए। अब जब हमारा ये x प्लस इसका होल स्क्वायर आ गया -x², अब a² माइनस b² पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 1 -x, ये हमारा आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस x। अब हमारे आंसर में ये दो रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, कौन सा फैक्टर है, आप कहेंगे ये फैक्टर है ये भी फैक्टर है, दोनों में से कोई एक आपका आंसर रहेगा, आप उसको आंसर टिक मारिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें जो कहिएगा कि काफी कुछ आता है वैसा कुछ है नहीं, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका ये जो मैथ जो है आपका 30 out of 30 मतलब आपको आना तय है, 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। इस क्लास के बाद फिर हम थ्योरी क्लास इसका डिस्कस करेंगे, जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें तो बस आप एक बार पढ़ लेंगे तो वहां से आपका 10 में 10 आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये है आपका 3x -2 / 3 प्लस 2x +3 / 2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है x +7/6, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, पहला तो आप है कि एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ हमको देखते हैं कि सीटीईटी क्वेश्चन इस तरह सेट किया है, हमारा ब्रेक करने के बाद सीधा आ जाएगा, तो 3x/3 कर देते हैं, तो ये आ गया एक्स -2/3 प्लस ये आपका एक्स +3/2 इज इक्वल टू आपका एक्स +7/6, एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/6, ये माइनस उधर जाके +2/3 -3/2, यहाँ से आप जो है एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया आपका 7 प्लस 4 माइनस 9 ये आपका हो गया 2/6 मतलब हो गया 1/3, ये आपका x का वैल्यू
और आपका आ गया 1/3। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब इससे आप x का वैल्यू निकाल लिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5x-2/4 इसका वैल्यू निकालना है। x की जगह 1/3 पुट करिए, आप आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपका 5/3-2/4 करके जो भी आपका आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका एक इस तरह क्वेश्चन आता है, इसमें जो सिंपल आपका लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसको बोलेगा कि आप सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए, या फिर एक्स का वैल्यू निकाल के किसी एक अदर एक्सप्रेशन पुट करिए उसका वैल्यू बताइए, इस तरह का दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा है कि 5x+2 और मल्टीप्लाई बाई 2x²-3x+5, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का सम निकालना है। ये जो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो गुना करने का जो भी कोफिशिएंट आएगा और एक्स का जो भी गुना करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट आएगा, दोनों का सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यदि इसको ax² + bx बोल दे तो हमको निकालना है a + b। ठीक है, गुना करने के बाद तो ax से हमको बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ से गुना करने के बाद हमको एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब देखेंगे x जो है इससे गुना करने से मिलेगा नहीं, x जो है इससे गुना करने से हमको आपका ये देखिए एक्स स्क्वायर यदि लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, एक्स को -3x कितना हो गया -15x², या -15 लिख दीजिए। ठीक है, और 5x को जब 5 से गुना करेंगे तो हमको x मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 से देखिए यहाँ हम गुना करने से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, हम इसमें +4 लिखते हैं। 2 से हमको यहाँ पे -3x से गुना करने में x मिल रहा है तो -6 कर देते हैं। ये हमारे देखिए एक्स स्क्वायर को भी सेंट जो आपका टोटल हो जाएगा -15 + 4 - 11, और ये आपका आ गया 25 - 6 कितना हो गया 19 + 19। अब दोनों का सम निकालना है, a + b निकालना है, तो -11 + 19 कितना हो गया आपका आंसर 8। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमारे क्लास को आप देखते रहिए, आपको अलजेब्रा पे फुल कंट्रोल हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्ट आता है नहीं, ये 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट हम क्लास 4 दूसरे अलजेब्रा पे, उसके बाद नंबर सिस्टम पे, इस पे हम लाते रहेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि हम आपको CTET के जो मैथ का पेपर है उसमें 30 out of 30 दिलवाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।